नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम, नाम मिश्रा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें इतनी प्यार मोहब्बत देने के लिए। आपने इतना प्यार दिया, हम शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका यार। और आज हम लेकर आए हैं पीएम मोदी की एटीट्यूड वीडियो, लेकर आए हैं उनकी पावर। आज देखने वाले हैं, मजा आएगा वीडियो को देखने में। और देखते हैं आज की वीडियो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत। कभी सोचा नहीं था वो। उसने हमें अवसर दिया है तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। शरीर का कण कण, समय का पल पल, सिर्फ अपने देश में क्या बात है, लगते ही नहीं है कि यार ये दुनिया के प्राइम मिनिस्टर है कि ना। कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोकी? आहा। है ये अधिकार उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो उनका। तो मुमकिन है अपने देशवासियों को संकट में देख किसी भी हद से गुजर सकता है। क्या बात है, मोदी यार बड़ी मेहनत की है इन्होंने यहाँ तक पहुँचने। चाय वाला लोग बोलते हैं तो चाय वाला, लेकिन यार उन्होंने कितना एहसास किया लोगों का। नहीं है, सही बात है। जितनी तरक्की भारत कर रहा है कोई नहीं कर रहा। ये देखो चंद्रयान चम इंज पहुंचे हैं क्या बात है। क्या बात है, दुनिया ते अगे लैक जाने के लिए जुट जाने का समय। क्या बात है, बेस्ट वीडियो। पल करके पड़ा हुआ ओहो। आपने मुझे यहाँ पहुँचाया, तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूँ। दे दो, दो जी दो, दे दो, दे दो। कानून की घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। ओहो गारंटी। सही बात है,
अम्मी बोलती है मोदी जी ने कभी पैंट कोट क्यों नहीं पहना क्यों नहीं पहना भाई बताओ दूसरी पैंट शर्ट पाई G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भाई आगे पीछे जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। यार बड़ा मजा आया मेरी वीडियो देखने में ना। मतलब पीएम मोदी की क्या ही बात है, उन्होंने इंडिया को यार इतने 10 साल हो गए हमको हुकूमत करते हुए। अच्छा था है। इतना अच्छा है कि 10 साल उसने हुकूमत की और अभी भी शायद लोग बोलते हैं 90% गारंटी है कि अभी भी वही आने वाले हैं। 15 साल वो कंप्लीट शायद करेंगे अपने। तो बहुत ज्यादा उन्होंने अच्छे काम किए हैं। मतलब हमारे यहाँ पे तो कोई भी पीएम 5 साल तक टिका नहीं है आज तक। हमारी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, 5 साल किसी भी पीएम ने आज तक कंप्लीट नहीं किए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने देख लो 10 साल कंप्लीट किए हैं अपने। तो ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि 10 साल कोई पीएम अपना कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे काम किए हैं तो ही तो वो टिके हैं। वरना आपको पता है कोई काम ना करे तो दुनिया उसको पहले ही बोलती है चलो निकलो यहाँ से, हम नहीं आपको बर्दाश्त कर सकते। लेकिन यार उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। G20 की मीटिंग, अभी G20 की मीटिंग हुई है इंडिया में इस साल, जिसमें 20 कंट्रीज शामिल है। वो सब कंट्रीज आए हुए थे इंडिया में, आके उन्होंने मीटिंग किया और फिर दुनिया के बारे में, और पीएम मोदी ने उसमें बहुत अहम बात बोली कि दुनिया में ऐसे ऐसे कंट्रीज जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते ना, जो बहुत ज़्यादा गरीब और बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आए नहीं थे वहाँ पे, जो छोटे हैं हम उनके बारे में सोचेंगे। जो 20 कंट्रीज वहाँ पे आए थे उनके साथ डिस्कस किया कि उनका उनको भी हम अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, हम उनके भी ध्यान रखेंगे, उनको भी जो खाना है, जो भूख है, भुखमरी जो है वहाँ से भी हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें सब कंट्रीज़ को मिलकर साथ देना होगा कि हम पूरी दुनिया से जो गुर्बत है, गरीबी है, उसको ख़त्म किया जाए। तो ये कितनी अच्छी बात है। इस किसी के लिए कौन करता है, सही बात है। तो उन्होंने तो ये इतनी बड़ी बात बोली और वो कर भी रहे हैं। अफ्रीका के कंट्रीज जो छोटे हैं बहुत, जहाँ पे पानी तक मौजूद नहीं, इंडिया ने वहाँ पे भी हेल्प भेजी है, बहुत हेल्प कर रहे हैं। अफगानिस्तान में भी जलजला आया, वहाँ पे भी हेल्प की। टर्की में जलजला आया, वहाँ पे भी हेल्प की। हालांकि टर्की ने बहुत बुरा किया था इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी हेल्प की मुश्किल वक्त में। और पाकिस्तान में भी बाढ़ आई थी ना जब, तो जलजला आया, यहाँ पे भी इनको बोला गया कि हम आपको सब्जियाँ ये वो देंगे, लेकिन उन्होंने बोला हमें सब्जियाँ या खाने पीने की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए। ये हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने ये बात बोली थी। तो ये कितनी गलत बात, उनको ये था कि सब्जियाँ तो लोग खा लेंगे तो जो पैसे हैं वो तो हम लूट के खा जाएंगे, तो इससे अच्छा है आप हमें पैसे दो। उन्होंने कहा हम पैसे नहीं देंगे, हम जो खाने की चीज़ें हैं वो ज़रूर लोगों के लिए भेजेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हमने नहीं ले रहा। उन्होंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, लेकिन यार बहुत अच्छे पीएम आपके, ऐसे पीएम हम भी एक डिज़र्व करते हैं, हमें ऐसे पीएम की ज़रूरत है जो हमारे कंट्री को भी पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाए और बताए कि हमारा कंट्री किस लेवल का है, और यहाँ पे आके वो अपना इन्वेस्टमेंट करें और हम भी आपके कंट्रीज में इन्वेस्ट करें। पीएम मोदी ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया, और सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने लोगों का सोचा, अपने कंट्री में हर चीज़ बनाने का सोचा, जो बना मेड इन इंडिया चीज़ें भी उन्होंने जो बनाना स्टार्ट की है ना, ये सबसे एक पॉजिटिव पॉइंट है इनकी हुकूमत का। और भी जितनी भी तारीफें की जाए इनकी वो तो कम ही है, कुछ लोग अगेंस्ट भी होते हैं, लेकिन यार ज्यादा लोग इनको प्यार करने वाले हैं। तो यार मजा आया। हमें कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कल का मैच हुआ था भाई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भी हमने पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम को साथ बैठे हुए देखा था, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, खेल है खेल में, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इंडिया ने बहुत कोशिश की और डिजर्व करती थी, लेकिन यार हाथ में आता आता रह गया वर्ल्ड कप। लेकिन वीडियो अच्छी थी, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू।